भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं लता मंगेशकर जी। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं और इसी के साथ साथ निमोनिया जैसी बीमारी से भी पीड़ित हैं। 92 साल की हो चुकी हैं लता मंगेशकर जी। उम्र को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स उन पर कड़ी निगरानी भी रख रहे हैं। बता दें आपको, मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में लता मंगेशकर जी को 9 जनवरी की सुबह एडमिट कराया गया था। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लता मंगेशकर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जैसे ही खबर आई कि लता मंगेशकर जी हॉस्पिटल में एडमिट है, तब से लगातार नेता, राजनेता, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के सितारे और उनके फैंस उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। रिसेंटली लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर एक और बड़ी खबर आ चुकी है, जहां एक तरफ डॉक्टर्स ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया कि लता मंगेशकर जी की सेहत में पहले से काफी सुधार है, लेकिन अब उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टर प्रतीत स्तमदानी ने जानकारी देते हुए कहा है कि अभी लता मंगेशकर जी का इलाज आईसीयू में ही जारी है, जहां उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, जिसके बाद उनकी तबीयत को देखते हुए बताया जा सकेगा कि वह कितने दिन और आईसीयू में रहेंगी। इतना ही नहीं, डॉक्टर प्रतीत ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि फिलहाल लता मंगेशकर जी से किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं दी गई है। इन बातों के अलावा मैं लता मंगेशकर जी की तबीयत के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि लता मंगेशकर जी की हालत क्रिटिकल है, वह जवाब देते हुए कहते हैं, इस पर फिलहाल मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। जो कुछ मुझे कहना था मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। इस तरह से डॉक्टर ने लता मंगेशकर जी की हालत को लेकर ये बयान जारी किया है। ऐसे में देखा जाए तो फैंस के लिए और भी चिंता बढ़ गई है। लता मंगेशकर जी से किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं है। वहीं उनकी बहन उषा मंगेशकर ने बताया है कि लता दीदी की तबीयत स्थिर है, वह पहले से बेहतर महसूस कर रही है। इस तरह से परिवार के सदस्य भी लगातार हेल्थ बुलेटिन देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।